मीडिया के मेरे मित्र, चाहे प्रिंट मीडिया के हो, डिजिटल मीडिया के हो, सभी छाएगा। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से इस गणेश महोत्सव, जिसको कह सकते हैं गणेश पूजा के शुभ अवसर पर, पार्टी की ओर से आपका अभिनंदन। दिनांक 2 तारीख को विधानसभा के भवन में इबादत करने के लिए, नमाज अदा करने के लिए एक कक्ष का आमंत्रण हुआ था और झारखंड की जनता की मांग के लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में तुष्टिकरण की राजनीति न की जाए, विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है, वहां पर सर्वधर्म संभाव की नीति और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर वहां पर वो प्रतिबद्धता दिखनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार से स्पीकर महोदय के द्वारा जो निर्णय लिए गए एक कक्ष को एक संप्रदाय एक धर्म के लिए इबादत करने के लिए, तो झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति का माध्यम भारतीय जनता पार्टी, और झारखंड की जनता की इच्छा कार्यक्रमों की घोषणा की थी, जो आप सबको जानते हैं पहले से कार्यक्रम थे। मैंने सार्वजनिक घोषणा किया था, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जानता है, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता जानती थी कि हम कुत्ता दहन का कार्यक्रम करेंगे, हम जिले में उपायुक्त महोदय का घेराव करेंगे, हमारे मोर्चों के द्वारा सभी उपायुक्तों के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। और 8 तारीख को झारखंड की अभिलाषा, झारखंड की जनता के अभिलाषा के अनुरूप विधानसभा का घेराव का हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया था, और उसी के तहत 12 बजे हम लोगों ने अरगोड़ा मैदान से अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत। और हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ की और आप उसके गवाह भी बने, शांतिपूर्वक अनुशासित भाव से, और सबका नारा एक ही भारत माता की जय, कोई अमर्यादित भाषा का भी किसी ने उपयोग नहीं किया। धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए कोई एक नारे के उदाहरण, हर कोई का एक ही लक्ष्य, पार्टी के निर्णय के अनुसार, झारखंड की जनता के निर्णय के अनुकूल, एक एक कार्यकर्ता अनुशासित भाव से लगातार लंबे कई घंटों की यात्रा करने के बाद, कई किलोमीटर की यात्रा करने के बाद इतनी जबरदस्त गर्मी, तपिश गर्मी, तपता हुआ पूरा जमीन, आसमान, वातावरण, पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक मिसाल पेश किया, और जिसकी सराहना हम नहीं,
झारखंड की जनता और रांची की जनता विशेषकर इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी किसी दुकानदार के किसी ठेले का कोई नुकसान नहीं और कोई ट्रैफिक सिस्टम को हम लोगों ने चाहे वो एम्बुलेंस जा रहा होगा चाहे स्कूल के बच्चे आ जा रहे हैं सबको हम सब लोगों ने सहयोग करते हुए किसी को तकलीफ ना हो इस अवधारणा जो पार्टी का मूल मंत्र है उसी के आधार पर हमारा कार्यक्रम चल रहा है। एक भी सिविलियन समाज का कोई वर्ग नहीं कह सकता है कि उस दिन हमको तकलीफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के कारण एक मिसाल पेश करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के कारण अनुशासन के मामले में संयम के मामले अहिंसा के भी मामले हमारी संख्या अहिंसा के प्रति समर्पित भाव से आगे बढ़ रही ठीक जगन्नाथपुर मंदिर के पास हमारी जहां पर ब्रैकेटिंग थी जहां पर पुलिस के द्वारा ब्रैकेटिंग की गई थी प्रशासन के द्वारा की गई थी वहां पर बातचीत चल ही रही थी कोई नोक झोंक भी मुश्किल से हमको लगता है कि फ्यू सेकंड्स हुआ होगा कोई लंबा कोई तकरार नहीं कोई झगड़ा नहीं कोई कार्यकर्ताओं के द्वारा किसी प्रकार का पत्थर का उपयोग नहीं किसी प्रकार के लाठी का उपयोग नहीं विद इन फ्यू सेकंड्स आप लोग भी उसके गवाह बने और सच में मैं पत्रकार के कई ऐसे वीडियो को मैं देख रहा था आपके द्वारा बनाए हुए वीडियो मुश्किल से फ्यू सेकंड तकरार चल रहा है उसी के बीच में इसको भी थोड़ा सब्र करना चाहिए था उसने सब्र को खोया और लगभग जिस बेदर्दी से लाठी चार्ज की गई टारगेटेड लाठी हम और बाबूलाल मरांडी दोनों जन और जिस प्रकार से उनके रंगरूट महिलाओं के साथ महिलाओं को पटक पटक करके घसीटते हुए कपड़े फाड़ने का भी काम किया कई ऐसे महिलाओं के कपड़े फाड़े गए और बहने जो हमारी थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महिलाएं मैं उसको देख करके मेरे आंख से आंसू निकल पड़े कि ये सरकार का असली चेहरा सामने आ रहा महिलाओं के साथ बदतमीजी के साथ पेश करते हुए जिस प्रकार से लाठी चार्ज किया गया हमारे कार्यकर्ताओं के साथ लाठी चार्ज की गई अब टारगेटेड हम सब लोग वहां पर सबको रोकते हुए हम लोग हम और बाबूलाल मरांडी का जो सिक्योरिटी था वो कवर किया और लाठी से घुरेट के जिसको बोलते हैं इस तरह से पहार किया मैं मानता हूं कि ये सुनियोजित ढंग से सरकार के इशारे पर हेमंत सोरेन जी की सरकार के बाद के इशारे पर ये सारी घटनाएं होती हम उन पुलिस कर्मियों को भी मैं क्या ऐसे उसमें ऐसे हमारे भाई थे जिन्होंने चीजों को ठीक करने का भी कर दिया मैं वैसे पुलिस कर्मियों के प्रति भी आदर भाव रखता हूं लेकिन कुछ ऐसे रंगरूप थे जिनको जैसे लग रहे थे कि वो महा दैत्य के रूप में जिस प्रकार से अपना प्रदर्शन कर रहे थे लाठी मार रहे थे और लाठी से एक एक आदमी को लगातार एक ही आदमी पर 20-20 लाठियां मार रहे हमारी महिला मोर्चा की आरती नहीं हुई हमारा ओबीसी मोर्चा का अमरदीप यादव अनुसूचित जाति समाज के हमारे परमेश्वर राम हो ऐसे कई लोग को जिस ढंग से मारा गया पीटा गया
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी। और मैं मानता हूं कि विधानसभा के स्पीकर के द्वारा जो 7 सदस्यीय जांच समिति बनी है वह झारखंड की जनता की अभिलाषा और भारतीय जनता पार्टी की झारखंड भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए हुए आंदोलन का फल है। फल प्रतिफल सरकार को विवश होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा और सरकार जनता से बड़ी नहीं, जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में। सत्ता आने के साथ मतवाले हाथी की तरह चलने के काम कर रही है सरकार, फर्जी मुकदमे। और आप सब कुछ जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पास कोई लाठी तक नहीं था, डंडा नहीं था, कुछ नहीं था और लगातार हिंसा का रूप सरकार के द्वारा दिख रहा था, लाठी उनके द्वारा बरसाई गया। और मुकदमे हम पर किए गए, हम पर मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, ये झारखंड की जनता देख रही है नंदी जिस बेदर्दी के साथ, बेहरमी के साथ लाठी से लोगों को घायल करना और फर्जी मुकदमे। मैं तो कहता हूं कि जो मुकदमे है वो बैक डेट से किया गया है। आप भी आप अपने पत्रकार हैं, आप लोग अच्छे पत्रकार हैं, जीवंत पत्रकार हैं। अगर कुछ दिन मुकदमे होते तो आपको भी जानकारी होती कि नहीं होती, अखबारों में आता कि नहीं आता। इसलिए कल मुकदमे के स्क्रिप्ट लिखे गए, परसों के डेट में एक सीओ जो भ्रष्ट सीओ है यहां पर, जिसको जमीन के आप सबको जानते रांची में पदास्थापित इसलिए किया गया कि जमीन का गोलमाल तोलमाल ज्यादा करे, उसके द्वारा लिखवाया गया सीओ। अब कौन सीओ जिसको रांची नगर में रांची सदर में पदास्थापित किया गया, उसके द्वारा दिया गया जबकि वहां था भी नहीं, वहां जब घटना घट रही तो वहां थे भी नहीं। तो बैक डेट में FIR लिखी गई है, इसलिए पार्टी इसकी भर्ती ना करती। दूसरा विषय, हम इस संघर्ष को लगातार जारी रखेंगे सरकार के खिलाफ, उनके कुशासन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, आदिवासी विरोधी सरकार के, महिला विरोधी सरकार के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा। मुकदमा वो एक नहीं लाख मुकदमा कर ले, लेकिन झारखंड की जनता की अभिलाषा की प्रतीक भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जनता के हित के लिए बनी हुई पार्टी है, परिवार के हित के लिए बनी हुई पार्टी है, परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी। दूसरा विषय, कल मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा बड़ा आधार खोल दिया है, व्यक्तीय ढांचे के विपरीत ऑल इंडिया पर मेरा नाम आया है अखबार के सुर्खियों में, चले न जाने अंगन में दे रहे, आंगन में चलने का उनको तरीका नहीं मालूम है, शासन चलाने का विकास के प्रति प्रतिबद्धता नहीं, कानून व्यवस्था चौपट बार बार बोलने से ठीक नहीं। लेकिन मैं ऑल इंडिया के संदर्भ में बताना चाहता हूं भारत सरकार के उपक्रम के बारे में। एक मुख्यमंत्री संघीय ढांचे को कमजोर करने वाले मुख्यमंत्री के तौर में लगातार अपने आप को साबित कर रहे हैं। इस देश के अंदर कांग्रेस ने 70 साल शासन किया है, 70 साल
मुख्यमंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि कोल इंडिया के बकाए यूपीए के कालखंड में कितने थे, जिनके साथ सरकार चला रहे हैं कांग्रेस के साथ, उनके शासन काल में कितने थे, और उनके पिताजी माननीय उनका प्रतिष्ठा हम सम्मान करते हैं माननीय गुरु जी का, शिबू सोरेन जी भी कोल मंत्री थे, उनके कार्यकाल का पैसा गुरु जी इस राज्य को दिए थे कि नहीं अपने कार्यकाल के समय में, शिबू सोरेन जी भी सम्मानित नेता या इस राज्य के सम्मानित नेता है, वो भी कोल मिनिस्टर थे, कोयला के मंत्री थे, उनके कार्यकाल में भी उन्होंने घोषणा किया था कई चीजों का, उस वक्त कितने पैसे बढ़ाए थे इस राज्य की, इसकी भी जानकारी झारखंड की जनता को दें। ये कालखंड का कांग्रेस के कालखंड का और अपने पिताजी का था, ये इस प्रकार से शासन चलता है। और उस वक्त के कालखंड में क्या डीएमएफटी जो पैसा आता है राज्य केंद्र सरकार के द्वारा मोदी जी की सरकार के द्वारा उस वक्त आता था क्या? यूपीए के कालखंड में, कांग्रेस के कालखंड में, उनके पिताजी के कालखंड में, कार्यकाल में जहां पर मिनरल्स है, माइनिंग होता है, उस क्षेत्र के वेलफेयर्स के लिए पैसे देते थे कि केंद्र सरकार की नहीं, शिबू सोरेन जी देते थे कि नहीं? तो इन चीजों को इस प्रकार से अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए वो इस प्रकार के तुष्टिकरण की राजनीति केंद्र सरकार पर दोषारोपण करके झारखंड की जनता से बच नहीं सकते, रोजगार दे नहीं रहे, रोजगार खा रहे हैं लोगों का, 5 लाख लोगों को रोजगार देने में तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, झारखंड की जनता पूछना चाहती है आप कब राजनीति छोड़ने वाले हैं, बताइए भाई, आप ही बोले थे, हम तो नहीं बोले थे, जोड़ जोड़ से बोले थे, वीडियो कैसेट सब है हम लोग के पास, हम लोग गांव गांव तो दिखाएंगे इसको, नौजवानों के पास दिखाएंगे, रोजगार के पास जिनको रोजगार की जरूरत है उनको दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे और झारखंड की जनता को भी दिखाएंगे, सारे जनता को कहां गया राजनीति, कहां गया राजनीति छोड़ने वाले को, बेरोजगारी तो भत्ता देंगे, लगता है भिखमंगे के भत्ते देंगे, और जिन लोगों ने राज बनाया था झारखंड वनांचल के नाम पर उन आंदोलनकारियों के साथ भी भेदभाव कर रही है सरकार। अब तो राज्य के जो हाईकोर्ट है, न्यायपालिका जिसका हम सब लोग बहुत सम्मान करते हैं, भारत न्यायपालिका तो सबको सम्मान करता है, अब न्यायपालिका ने भी क्या क्या टिप्पणी किया है अखबारों में छपा है, जेपीएससी के बारे में, जेपीएससी के चेयरमैन को स्टेडियम में ज्यादा रुचि है, रोजगार देने में रुचि नहीं है, खेल में फीता काटने में ज्यादा रुचि है, नौजवान को रोजगार देने में नहीं, एसएससी हाँ जेएसएससी और वहां पर भी टिप्पणी आई है, और तो और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए केंद्र सरकार वैक्सीन दे रहा है, यहां सबसे ज्यादा बर्बादी भी मात्र यहां पर फर्स्ट डोज देने वालों की संख्या 28%, जबकि हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात 74% से ऊपर, इसीलिए केंद्र सरकार मुफ्त में मिल रहा है, कानून व्यवस्था चौपट है, रूपा तिर्की के जहां तक सवाल है वहां सीबीआई की जांच हो गई है, उसके जो अनुसंधान करता थे एगो डीएसपी साहब उनका भी बयान आप लोगों के सामने है, मैं उसे रूपा तिर्की के संदर्भ में, एक आदिवासी बहन के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा है, किसके कहने पर
है, हम कह सकते हैं कि ये सरकार असफल सरकार है, और हम कह सकते हैं कि इतने कम समय में हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जो इतने कम समय में अलोकप्रिय होगी। अब तो कुछ हमारे मित्र कांग्रेस के मित्र हम क्या कहने लगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को मेरे वोट बैंक पर अब नजर लगे, इसीलिए इस प्रकार का निर्णय तुष्टिकरण का नीति का निर्णय लेने के लिए कांग्रेस का जो वोट बैंक है उस पर भी चंदमारी करने का काम ये सरकार करना चाहे, इसलिए उस गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बस दोस्तों मैं अपनी ओर से अपनी बातों को रखा हूं, एक बार हमारे मित्र और हम सब लोगों के हमारे जाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, सम्मानित विधायक भी हैं और संघर्षित विधायक लगातार जाति समाज के लिए संघर्ष करते हैं और उसका उस संघर्ष का परिणाम भी निकालने का काम करते हैं, वो भी अपनी बात को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद तो एक उन्होंने प्रश्नों का तो जैसा कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने आप सबको बताया, इस मानसून सत्र में जो लगभग इस सरकार के गठन के 19 महीने के अंतराल में हो रहा था, इस सरकार के विफलताओं की गाथा लेकर के यह मानसून सत्र प्रारंभ हुआ था। ये सरकार अपने चुनावी वायदे के सारे घोषणाओं के डकोर संघ की घोषणाओं के मैं कह सकता हूँ एक आवा में इस मानसून सत्र में प्रवेश कर रहे थे। नियोजन से लेकर के भ्रष्टाचार रोजगार ये सारे मुद्दे जैसा अध्यक्ष जी ने बताया इस सरकार के लिए एच प्रश्न के समान खड़े थे और मानसून सत्र में इन सारे मुद्दों का सारे प्रश्नों का जवाब उनको देना था। जैसे ही मानसून सत्र प्रारंभ हुआ और जिस तरह से बाबा साहेब आम्बेडकर के इस संविधान के पवित्र लोकतंत्र के मंदिर में इस मूल भावना का अनादर किया गया, इस पूरे लोकतांत्रिक देश के अंदर जो विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, एक पंथ निरपेक्ष गणराज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला ये लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा कैसे एक वर्ग विशेष के लिए धर्म के नाम पर कमरा आवंटित कर सकता है, किस नियम किस कानून किस संविधान जो संविधान की रक्षा करने के लिए जो मंदिर है जो संविधान को पालन कराने के लिए जो सबसे बड़ा ये विधायकी जो सदन है उसमें किस कानून किस नियम के तहत कमरा आवंटित किया गया, इस लोकतंत्र के मर्यादा को भंग करने के लिए और एक तुष्टिकरण की राजनीति को धार देने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया था उसका सही समय पर एक लोकतंत्र के प्रहरी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता आदरणीय श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी ने सड़क से लेकर के सदन तक के आंदोलन की रूपरेखा बनाई और आप सब लोगों ने देखा कि लगातार हम लोग डे फर्स्ट थे, चाहे वो नियोजन नीति में जिस तरह से यहाँ के युवाओं के साथ छल किया है, जो उन्होंने चुनावी घोषणाओं में जो उन्होंने वायदे किए थे उससे जिस तरह से यू टर्न लिया है, एक गिरगिट के रंग को भी बदलने की जो काबिलियत होती है उसको भी संसार करने वाले युवाओं को नौकरी से विशेष करके यहाँ के आदिवासी दलित मूलवासी पिछड़े और बड़ी संख्या में हिंदी भाषावासी क्षेत्र के बच्चों को जिस तरह से वंचित करने का प्रयास किया है, आपने खुद सदन के अंदर प्रश्न के जवाब में कहा कि यहाँ न गुड़ की पढ़ाई होती है, ना हो की पढ़ाई होती है, ना मुंडारी की पढ़ाई होती है, ना खोटा की पढ़ाई होती है, ये सारे विषय जो चालू किए गए हैं इसकी पढ़ाई आप जो है वो आपके ग्रेजुएशन स्तर पर होता है, यूनिवर्सिटी के स्तर पर होता है, क्लास थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी के लिए आपको मैट्रिक और इंटर चाहिए और राज्य के किसी भी स्कूल में इनकी पढ़ाई नहीं होती है, तो आप इन बच्चों को जब आप लेके जाएंगे तो यहाँ के आदिवासी बच्चों को यहाँ के मूलवासी बच्चों को फेल करने के लिए आपने व्यवस्थाएं बनाई,
हिंदी को हटा करके, और सिर्फ उर्दू में पढ़ने वाले लोग ही पास होकर के नौकरियों में आए। एक हिडन एजेंडा चला करके इन लोगों ने इस तरह की बहाली और इस तरह की पूरी व्यवस्था बनाई, इसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध करना प्रारंभ किया। और जिस तरह से संविधान के मंदिर को अपमानित करने का, संविधान के मंदिर को जिस तरह से उन्होंने संविधान को खंडित करने का काम किया, प्रयास किया, उसके लिए हम लोग सदन के अंदर लगातार बेफस रहे, हम लोग आवाज उठा रहे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में परसों जब विधानसभा का मार्च हुआ अपने आदरणीय नेता बाबूलाल मरांडी जी के साथ, और निहत्ते हमारे युवा कार्यकर्ताओं पर, महिलाओं पर जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, और विशेष रूप से जान मारने की नीयत से अपने आदरणीय नेता बाबूलाल मरांडी जी और दीपक जिस तरह से लक्ष्य करके हमला किया गया, इसके विरोध में मैंने कल सदन के अंदर एक फंडामेंटल राइट जो एक विधायक का हो सकता है, एमएलए का हो सकता है, उसके तहत आर्टिकल 54 जो संचालन कार्य प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है झारखंड विधानसभा की, आर्टिकल 54 के तहत मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया इसकी न्यायिक जांच करने के लिए। भाई इसकी न्यायिक जांच हो, जुडिशरी जांच हो कि भाई कैसे एक लोकतंत्र के अंदर आपने तो पहले इस तरह से संविधान का अपमान किया, अपने बाबा साहेब के सपने का अपमान किया, इस लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित किया, और जब उसके लिए एक सजग है लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में हम सब लोग जब उसका विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, तो आप उस पर आप जो है इस तरह से जानलेवा हमला कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य रहा जो परिपाटी थी वो परिपाटी का पालन नहीं किया गया, और लगातार आपने देखा भी होगा फर्स्ट हाफ में ही मैंने जब कहा तो उन्होंने अपना संचालन नियमावली की बात कही, मैंने पढ़ करके भी सुना है, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको आसन से कहा गया कि हिंदी हमको भी पढ़िया, तो मुझे लगा फिर से बोलने दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं माने, नहीं किए, और लास्ट तक जब बिजनेस खत्म होने लगा तब तक उन्होंने नहीं किया। और मैं वहां से बोल करके जब निकल रहा था तो जिस तरह से कांग्रेस के साथियों ने वहां पे होर्डिंग चालू की और जिस तरह से बाहर जाने का रास्ता दिखलाया, उस बाबा साहेब अम्बेडकर के मंदिर में आने का जो सौभाग्य मिला है वो सौभाग्य बाबा साहेब के उन संविधान के कारण ही हम लोग को मिला है। एक रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी से आने का, नहीं तो हमारे जैसे लोग इस प्रतिनिधि सभा में पहुंचने के लिए क्या कभी सक्षम हो सकते थे कि नहीं हो सकते। ऐसे अपने आवाज को बुलंद करने के लिए, लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को, मान्यताओं को बुलंद करने के लिए हम लोग को मिला। कांग्रेस के शासनकाल में ना बाबा साहेब को कभी सम्मान दिया, ना उनके संविधान की कभी रक्षा करने का कोई काम किया गया, उनको बराबर अपमानित करने का कांग्रेस की मानसिकता रही है, और ये दलित वर्ग जो अनुसूचित वर्ग है उसको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति समझ करके उन्होंने कभी भी उनके उन्नयन के, उनके संवर्धन का कोई प्रयास नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वो अपने पैरों की जूती बांध करके रखा और उनको अपने महानुभाई और ऐसा एक वर्ग जो सिर्फ वोट बैंक तक ही रह जाए, वो कभी आगे नहीं बढ़े, कभी उनमें नेतृत्व पैदा नहीं हो, ऐसी मानसिकता के साथ उनके मनोबल को तोड़ने वाला रहा। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2014 में जब सरकार आई तब सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास इस भावना के साथ इस बड़े संपर्क को, जो जॉब सीकर होता था मोदी जी के प्रयासों से जॉब गिवर बनने का प्रयास किया, उन्होंने आह्वान किया, आत्मबल उनमें नेतृत्व पैदा करना, उनमें मनोभाव जगाना कि आप भारत देश के स्वतंत्र नागरिक है, महान नागरिक है, और आप व्यवस्था के क्रम में अवसर के अनुपलब्धता के कारण विकास के क्रम में पीछे हैं, संविधान के प्रदत्त शक्तियों का पूरा प्रयोग और जो सामाजिक न्याय की जो बात बाकी सभी लोग कहते हैं और सामाजिक न्याय की बात करके बाकी दल जो सिर्फ अपने पारिवारिक उन्नयन का काम करते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई मोदी सभी को समान अवसर देकर के असामाजिक न्याय के साथ केंद्रीय कैबिनेट में भी उनको लेकर के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कल जो परिदृश्य सामने आया वो बहुत तरह से झकझोरने वाला था, और कांग्रेस की उस कुंठित मानसिकता, और मैं बताना चाहता हूँ कांग्रेस की इस कुंठित मानसिकता का ही परिणाम है कि झारखंड प्रदेश के अंदर जिस कांग्रेस के लगातार विधायक सांसद मुखिया तक कांग्रेस के होते थे, आज लगातार कई वर्षों से दलित वर्ग से, अनुसूचित जाति वर्ग से कांग्रेस का एक ना विधायक है ना सांसद है, ये उनके करनी का फल है। उन्होंने जिस तरह से लोगों को ठगा है, लोग जान गए हैं, और उनके इस व्यवहार को वो मान करके उनको दरकिनार कर दिया, उनको विमर्श से बाहर कर दिया, और ये जो घमंड है इस सरकार का, इस दलित वर्ग के अन्याय को जितना भी करेंगे कभी संगठित नहीं होने वाला है, 50 लाख जनसंख्या है, 14% के करीब आबादी है, उनको ये लगता है कि कम संगठित होकर प्रयास नहीं कर सकता है। तो मैं बताना चाहता हूँ अब अनुसूचित जाति वर्ग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगठित होना प्रारंभ किया है।
और जब से सरकार आई है तब से चाहे भूगल गासी की मृत्यु के मामला हो जिसमें उनके दो बच्चों की और मृत्यु हो जाती है, जब संसदीय कार्य मंत्री सदन के अंदर ये घोषणा करते हैं, आपको याद होगा कि भाई अब ऐसी तरह की घटनाएं नहीं घटित होगी, यार भूगल गासी की मृत्यु होने के ठीक 6 महीने के अंदर और 2 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, कोई मंत्री नहीं जाता है, कोई सरकार की योजना नहीं पहुंचती। और आप लोगों ने यदि हाईकोर्ट को यदि फॉलो किया है तो हाईकोर्ट ने भूगल गासी की मृत्यु को ही संज्ञान में लेकर के उन्होंने जो राज्य के अंदर जो भूख से जो मृत्यु हुई थी उस पर लगातार उसकी जो कमिटी है वो देख रही है। डालसा की टीम का रिपोर्ट कोर्ट करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि भाई जो सरकार है उसके पास जो योजनाएं हैं वो कागज तक ही है और ये योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंच रही है, दलितों तक नहीं पहुंच रही, आदिवासियों तक नहीं पहुंच रही। और 3 दिन पहले सदन चालू होने के 1 दिन पहले फिर हाईकोर्ट का निर्णय डिसीजन आया है, डिसीजन नहीं मैं कह सकता हूं तो उनका तर्क टिप्पणी आया है कि राज्य के सचिव मुख्य सचिव बताएं कि भाई क्या कार्य योजनाएं हैं और वो मामला अभी तक चल ही रहा है। भूगल गासी की मौत के मामले को दबाना चाहते हैं लेकिन हाईकोर्ट उसको लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने ही भूगल गासी की मृत्यु के मामले को पूरे राज्य के अंदर हम लोगों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में उठाया और इसको आगे बढ़ाया। जिस तरह से महादलित तूरी परिवार को वहां चिरूरी में मार करके हटा दिया गया, उनकी जमीनें छीन ली गई, राज्य की सरकार ने एक एफआईआर तक नहीं किया, जब डीआईजी आए, जब राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जब आने की सूचना हुई, हम लोग ने जब मांग किया, हम लोगों ने डिमांड किया हमको आने के लिए, जब हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, जब वो टीम आई तब जाकर के वो केस लॉज हुआ। लेकिन उन रमजान मियां और उनके लोगों पे केस लॉज होने के बाद भी वहां जो संस्था में बैठे हुए डीसी है वो डीसी मांडवाली करने के लिए विचार करने के लिए लोगों में अपने विचार करके इसको खत्म किया जाए इस विचार के साथ उनको बैठाने का काम किया, लेकिन उस दलित को न्याय देने का काम नहीं किया। वो कमेटी उस घर तक नहीं जा पाए, चिरूड नहीं जा पाए, सिलम को बरगलाने का भी काम किया, हम लोगों ने दबाव देकर चिरूड देख लेकर गए और वहां की भयावह स्थिति को दिखलाने का काम किया। और ये संघर्ष का ही परिणाम है भारतीय जनता पार्टी का कि आज वो चिरूडी से जो दलित परिवार वहां विस्थापित हो गए थे अपने राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग और राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रयास से वो दलित परिवार वहां स्थापित हुआ है। नहीं तो हम लोगों ने देखा इस देश के अंदर अपने भूमि से लोग विस्थापित हो गए, कश्मीर से पंडितों का जिस तरह से विस्थापन हुआ कोई सरकार अभी तक उनको वहां वापस नहीं ले पाए एक बार विशेष की बहुलता के कारण, लेकिन चिरूडी में हम लोगों ने उनको स्थापित करने का काम किया। उसी तरह चाहे वो चाईबासा के गासी परिवार को मारने का विषय हो या फिर अभी एक मामला आया है धनबाद का, पॉक्सो में केस लॉज हुआ है, पॉक्सो के अंदर केस लॉज हुआ है, ये मामला है, इसका केस नंबर मैं दे दूंगा, ये भी केस नंबर 354B आईपीसी की धारा से ये केस हुआ है। पॉक्सो लगा है एक दलित बच्ची पर अटेम्प्ट रेप का और इसका हुआ बलात्कार का, मैंने खुद बात किया था एसपी से, उन्होंने कहा कि 7 दिन का समय दीजिए विधानसभा चालू होने से पहले, आज 1 महीने से ज्यादा समय होने को आ गए लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुआ, वो घूम रहा है। इसी तरह से राज्य सरकार के अंदर महिलाओं के अपने जिस तरह से दलित समाज को जिस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सारे भावनाएं कहीं ना कहीं कल मेरे मन में आवेग के रूप में आ रही थी, कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जब एक चुने हुए प्रतिनिधि जो विधानसभा का विधायक है जिसका संवैधानिक राइट है उसको अगर वंचित किया जाता है तो गांव घर में रहने वाले दलितों पर आदिवासियों पर वंचितों पर इस सरकार का ध्यान कैसा होगा, उसके ऊपर कैसा आग्रह होगा, कैसा होगा। जिस तरह का उपहास उन लोगों ने किया और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने बाहर निकल करके इस विषय को जिस उपहास के दृष्टिकोण से देखा, मैं कहता हूं करुणा और संवेदनशीलता मनुष्य का सबसे बड़ा प्रकृति का और ईश्वर का दिया हुआ मोल है। जिसके आंखों में आंसू ना आए, जिसके हृदय में सहृदयता नहीं आए, संवेदनशीलता नहीं आए, करुणा ना आए, उसके आंखों में आंसू भी नहीं आ सकता है, वो पत्थर होता है। इंसान ही होता है जिसके आंखों में आंसू भी आ सकता है, विषाद भी आता है और प्रफुल्लता और हंसी भी आता है। अगर उनका जो दिल है वो पत्थर का हो गया है, वो दिल अगर पत्थर का ना होता तो इस झारखंड के 3 करोड़ झारखंडियों की इस कठिन द्रोह व्यवस्था जो आदिवासी दलित महिलाएं जिस पे जुर्म हो रहे हैं, जो चिल्ला चिल्ला के कर रही है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, रूपा तिर्की के आत्मा रो रही है, उनके कानों तक गूंजती है, उनके आंखों तक वो शर्म आता, लेकिन ये अहंकारी सरकार है, घमंडी सरकार है और इस अहंकारी और घमंडी सरकार का घमंड टूटना प्रारंभ हुआ है। पहली बार अपने आदरणीय
अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने आंदोलन सड़क से सदन तक किया, इस अहंकारी घमंडी सरकार को रोल बैक करना पड़ा, स्टेप डाउन करना पड़ा और उन्होंने इस नमाज के लिए आवंटित गच्छ के प्रति उन्होंने कमेटी का गठन किया। ये रोल बैक है उनका, ये स्टेप डाउन है, ये जीत है हर एक लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में खड़े हुए लोगों का। और अपने अध्यक्ष जी कहते हैं कि यहाँ तालिबानी संस्कृति को खड़ा हम लोग नहीं होने देंगे, इस भारत भूमि को, इस झारखंड को अफगानिस्तान नहीं होने देंगे, यहाँ का एक एक नागरिक संविधान की रक्षा करने के लिए, बाबा साहेब के सपनों को जिंदा रखने के लिए और अपने आदर्शों को, भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों को जिंदा रखने के लिए अपने कतरे का खून 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 का खतरा खतरा बहा देगा, लेकिन पीछे नहीं हटने वाला है। और इसकी बानगी हम लोगों ने लाठी खा करके भी देखा है। गोलियों के लिए हमारा जो पूरा बदन है, हमारा मन है, हमारी आत्मा है, प्रस्तुत है, लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं है। और ये अहंकारी घमंडी यह लाठी गोली की सरकार जितना भी जुर्म कर ले, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है और हम लोग इस लड़ाई को आगे भी लेकर के जाएंगे, लेकिन इस संविधान को और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी पूरी बाजी लगा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।